डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग लिमिट क्लॉज देखते हैं, लिमिट चैप्टर के बारे में सोचते हैं। तो लिमिट को जानने के लिए हम लोग एक एल्जेब्रिक फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाय एक्स माइनस टू, इस फंक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं। इस फंक्शन में अगर एक्स इक्वल टू टू बैठाया जाए तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, टू स्क्वायर माइनस फोर बाय टू माइनस टू, टू स्क्वायर माइनस फोर माइनस फोर बाय टू माइनस टू, जीरो बाय जीरो, जीरो बाय जीरो यानी वैल्यू नहीं निकल पा रहे, यानी ये जीरो बाय जीरो कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं है और इसलिए एक्स इक्वल टू टू पर यानी एफ टू का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पा रहे। और इस तरह से हम लोग यहां पर छोड़ तो नहीं देंगे कि x इक्वल टू टू पर तो निकालना है, और कैसे निकाला जाए तो इसके बारे में खूब सोचने के बाद ये एक टेबल बनाया गया। ये x का वैल्यू लिया गया और ये एफ एक्स का वैल्यू लिया गया, और x का वैल्यू हम लोग जब दो निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसका वैल्यू जीरो बाय जीरो हो रहा है, यानी वैल्यू नहीं निकल रहा है। लेकिन दो से ज्यादा कोई वैल्यू लेते हैं, दो से ज्यादा माने 2.1, तो क्या होगा ना, एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2.1 का स्क्वायर माइनस फोर बाय 2.1 माइनस टू, यानी 0.1 और ये होगा 1.4 माइनस फोर दैट इज 0.41 बाय 0.1 यानी 4.1, यानी एक्स का वैल्यू अगर हम लोग 2.1 लेते हैं तो उसका वैल्यू हो रहा है 4.1। अब हम लोग उसके और नजदीक आते हैं तो क्या होगा ना, 2.01 लेके देखते हैं तो यहां बैठा है एक्स के जगह, और कैलकुलेटर से अभी तो बना सकते हो, पहले कैलकुलेटर नहीं था लेकिन अभी तो कैलकुलेटर से भी यूज करके निकाल सकते हैं। तो देखो उसका वैल्यू होगा 4.01, 2.001 और भी नजदीक आते हैं दो के तो देखेंगे उसका वैल्यू 4.001, और नजदीक आते हैं 2.0001 तो वैल्यू मिलेगा 4.00। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं जैसे जैसे दो के नजदीक जा रहे हैं वैसे वैसे इसका वैल्यू चार के नजदीक जा रहे हैं, चार के नजदीक जा रहे हैं। अब देखते हैं कि दो से कम यानी लेफ्ट हैंड तरफ कोई वैल्यू लेके देखते हैं, मतलब 1.9 लेके देखते हैं, 1.9 एट एक्स इज इक्वल टू 1.9, तो 1.9 स्क्वायर माइनस 4 बाय 1.9 माइनस 2 तो हो जाएगा 1.9 स्क्वायर क्या होगा, 981 का 1 और 9 9 18 प्लस 826 का 6.3 माइनस 4 बाय 1.9 माइनस 2 दैट इज माइनस 0.1, ये होगा माइनस 0.9339 बाय माइनस 0.1 यानी 39 बाय 1 यानी 3.9 होगा। तो हम लोग क्या देखे ना, 1.9 लिए तो 3.9, और हम लोग दो के नजदीक जाएंगे तो दो के नजदीक जैसे ही हम लोग जाएंगे जैसे 1.99 तो ये वैल्यू होगा 3.99, फिर नजदीक जाते हैं तो क्या देखेंगे 1.999 तो इसका वैल्यू होगा 3.999, और हम लोग जैसे ही 1 पॉइंट और नजदीक जाएंगे
3.999 और इस तरह से हम लोग देखते जा रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं? जैसे हम लोग दो के नजदीक जाए, इसका वैल्यू करीब करीब चार के नजदीक आ रहे हैं। जैसे हम लोग दो के नजदीक दाएं तरफ से आ रहे हैं, तो भी देख रहे हैं इसका वैल्यू चार के नजदीक आ रहे हैं। यानी हम लोग दो के नजदीक जाएंगे तो एफ एक्स का वैल्यू चार के नजदीक जाएगा, और इस तरह से हम बता सकते हैं कि इसका वैल्यू देयरफॉर एक्स जब अप्रोचेस टू, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स अप्रोचेस टू या एक्स एक्सटेंड्स टू टू, देन क्या होगा? एफ एक्स टेंस टू फोर, एफ एक्स टेंस टू, एफ एक्स टेंस टू फोर। यानी एक्स जब दो के नजदीक जाएगा तो एफ एक्स चार के, चाहे बाएं से लेफ्ट हैंड तरफ से, चाहे राइट हैंड, चाहे दो से कम से दो के ओर, चाहे दो से ज्यादा से दो की ओर, तो इधर एफ एक्स का वैल्यू भी चार से कम से चार की ओर, चार से ज्यादा से चार की ओर। यानी इसको हम लोग इस तरह बोल के काम चला लेते, लेकिन बाद में इसको फिर मॉडिफाई किया गया, और इसको मॉडिफाई करके इसको ही हम लोग कैसे लिखेंगे, इसी चीज को, इसी को लिखना शुरू किए, लिमिट x tends to 2 f x equal to 4। इस लिमिट को ऐसे भी लिखा गया, कैपिटल L स्मॉल t x tends to 2 f x equal to 4, इस तरह से दो तरह से लिखा गया। और इसका मतलब क्या हुआ? ना जिस जगह पर वैल्यू हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ रहा है, अगर डायरेक्ट वैल्यू आ जा रहा है तो उसका वैल्यू वही होगा, लेकिन अगर उसका वैल्यू इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ गया, एक ऐसा फॉर्म है जिसमें वैल्यू डिफाइन नहीं हो रहा है, तब उस फॉर्म में आने पर हम लोग उसका वैल्यू कोई दूसरा मेथड से हम लोग देखेंगे कि उसका लेफ्ट हैंड तरफ क्या वैल्यू दे रहा है, राइट हैंड तरफ क्या वैल्यू दे रहा है, और उसी को देखकर हमारा लिमिट वैल्यू, वो उस जगह पर दो पर वैल्यू नहीं है लेकिन लेफ्ट तरफ क्या है, लेफ्ट तरफ टू प्लस समथिंग हो रहा है जितना वैल्यू है, और राइट तरफ भी दो टू प्लस अप्रोचिंग वैल्यू, मतलब चार के अप्रोचिंग वैल्यू। तो यानी हम लोग इसका लिमिट वैल्यू चार कहेंगे। जैसे और एक क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, और एक क्वेश्चन इसी को, इसी तरह जैसे एक फंक्शन हुआ, और एक फंक्शन हम लोग देख लेते हैं, और एक फंक्शन जैसे हाइपरबोला, हाइपरबोला एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, इसके बारे में हम लोग सोच के देखते हैं। जैसे एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स, लिमिट हमको एक्स टेंस टू जीरो चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ना वन बाई जीरो इंफिनिटी तो बोल देंगे, लेकिन नहीं, एफ एक्स एक्स टेंस टू जीरो, अगर इसका ग्राफ देखते हैं तो हमारा ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे होता है। यानी अगर हम लोग एक्स इक्वल टू जीरो प्लस, ये जीरो है, जीरो प्लस देखते हैं तो क्या होगा? ना एफ एक्स का वैल्यू हमारा इंफिनिटी हो जा रहा है, एफ एक्स का वैल्यू एफ एक्स हो रहा है इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी। और जब एक्स जीरो माइनस जीरो से कम होगा तो एफ एक्स हमारा क्या हो जा रहा है? एफ एक्स ये टेंस टू माइनस इंफिनिटी हो रहा है, इस केस में एफ एक्स टेंस टू माइनस इंफिनिटी हो रहा है। यानी अगर हम लोग दाएं तरफ राइट हैंड तरफ देखेंगे, राइट हैंड में क्या देख रहे हैं? राइट हैंड में एफ एक्स
प्लस इंफिनिटी की ओर बढ़ रहे हैं। लेफ्ट हैंड तरफ अगर देखेंगे तो एफ एक्स माइनस इंफिनिटी की ओर बढ़ रहे हैं। कब? एक्स जीरो से ज्यादा, एक्स जीरो से कम में। जीरो से ज्यादा के लिए व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो ऑन राइट हैंड, राइट हैंड। यहां पर एक्स एफ एक्स टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो लेफ्ट हैंड तरफ से। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, ये क्या करेंगे ना, इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका लिमिट वैल्यू निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा ना, जीरो पर वैल्यू तो है ही नहीं, और जीरो से प्लस में कुछ और वैल्यू, माइनस में कुछ और वैल्यू, और इस तरह से ये डज नॉट एग्जिस्ट बोला जाएगा। उसी तरह और भी फंक्शन होता है जिसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता है, भले हमारा उस जगह पर जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में देखे एक्स इक्वल टू टू पर वैल्यू नहीं निकल रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन टू माइनस दो से ज्यादा के लिए, दो से कम बैठा के देखते हैं तो उसका वैल्यू करीब करीब चार के नजदीक है, यानी उसका वैल्यू चार है। तो इस तरह से हम लोग लिमिट देखते हैं। तो लिमिट निकालने का तरीका सीधा है, लिमिट निकालने का तरीका हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अभी हम लोग इतना ही लिमिट को जानेंगे, और ये राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में भी हम लोग और भी एक दिन और एक क्लास में हम लोग सोचेंगे। अभी जस्ट लिमिट को समझने के लिए इतना ही। थैंक यू।